गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आज वाली क्लास लेकर रेडी हूँ। जैसे कि मेरा पिछला क्लास जो था वो हाउस वायरिंग से मैंने स्टार्ट किया था थ्योरी में। हाउस वायरिंग ऐसे आपको प्रैक्टिकल में भी देखने के लिए मिला था, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो क्लास है थ्योरी का, जिसमें हाउस वायरिंग मैंने बताया आपको, वायरिंग सिस्टम के बारे में बताया। तो वायरिंग सिस्टम आपको मैंने बताया कि चार टाइप का होता है, जिसमें एक जो है ग्रिड वायरिंग वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। इसका जो जितना भी वायरिंग जो है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं एक साथ लेकर आऊँगी। अभी सिर्फ आपको बताना जो स्टार्टिंग का है, इन्फॉर्मेशन देना है कि वो है क्या, क्लिट वायरिंग क्या है या फिर केसिंग केबिंग वायरिंग क्या है, सब वायरिंग के बारे में जानकारी देना। और हाँ, और BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जब वायरिंग करते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में भी ये चीज़ दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है कि BIS के नियम के अनुसार, IE जो नियम है उसके अनुसार जो है क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। मतलब अगर आप किसी वायरिंग को करते हो तो जो है क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए, और सारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं एक साथ, सारा जितना भी वायरिंग है सबका एक साथ लिखकर या एक साथ मेंशन करके बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए बिना देर के बस स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। कल मैंने फ्लिट वायरिंग के बारे में बताया था, इसमें जो है मैंने एक नियम बताया था आपको BIS के हिसाब से कि दो प्लेट के बीच में जो है, जो दो प्लेट के बीच की दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 60 mm होनी चाहिए, 60 mm होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है मैंने बताया था आपको कि तारों को खींच कर उसमें जो है आपका जो है प्लेट में तारों को खींच कर जो है उसको फिट किया जाना चाहिए, ताकि अगर तार जो है वो सही से खींचे हुए नहीं होंगे तो वहाँ पर सैक हो जाएगा। मतलब क्या है कि तार लूज हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह आज जो मैं टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ आप लोग का, वो उसका नाम है केसिंग केबिंग वायरिंग। क्या है केसिंग केबिंग वायरिंग, ये है सेकेंड नंबर, ठीक है। CASING केसिंग 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 वायरिंग, ठीक है। अच्छा, पहले इसके बारे में जानकारी देती हूँ, फिर इसको फिगर वाइज बताऊंगी कि क्या है ये, कैसा दिखता है, ठीक है। केसिंग केबिंग वायरिंग का है, जहाँ भी आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। सो घरेलू प्रतिष्ठान बोल सकते हैं आप, वहाँ पे यूज करते हैं उसका, और बंद जगहों पे यूज होता है। वहाँ पे यूज होता है, आपको याद रखना होगा, जहाँ बंद टाइप का जगह वहाँ पे हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, केसिंग केबिंग का ही वायरिंग का ही यूज करते हैं, ठीक है। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, ठीक है। ये वायरिंग जो है देखने में जो है दूसरे वायरिंग की अपेक्षा अच्छी होती है, पहला चीज। दूसरा क्या है, ये जो है वायरिंग मैंने आपको बताया था दो भाग में इसको डिवाइड किया था, एक तो PVC वाला, एक जो है टेकवुड करके मैंने बताया था वुडन टाइप, और एक बताया था आपको PVC टाइप। तो आपको जो है वुडन टाइप से ही क्लियर हो गया होगा ये चीज़ कि क्या है, ये स्पेशल टाइप का जो एक लकड़ी आता है वुड, क्या टेकवुड, ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी टिक जो होता है उससे बनाई जाती है, ठीक है। टिकवुड की लकड़ी से बनाई जाती है, और इसमें जो है केसिंग केबिंग में जो है अभी जो है ज़्यादातर PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है उसका PVC का ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग केसिंग केबिंग, है ना। दो टाइप है, वुडन टाइप एक PVC टाइप। तो PVC का आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है, मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है कि PVC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अच्छा, जो केसिंग केबिंग है इसमें आपको दो पार्ट मिलते हैं, ठीक है। पहला का नाम है केसिंग, दूसरा का नाम है कैपिंग, ठीक है। और जो जिसमें स्क्रू कसा जाता है, मतलब कहने का मतलब ये कि जिस समय दीवार पे, ठीक है, दीवार पर स्क्रू के साथ जो पोर्शन कसा जाता है उसका नाम है केसिंग, ठीक है। और कैपिंग से आपको खुद भी पता चल रहा होगा, अगर मैं नहीं बताती तो आप खुद भी क्लियर कर पाते कि कैपिंग क्या है, कैप क्या ढकता है। तो कैपिंग जो है वो क्या है, वो जो केसिंग को ढकने के लिए होता है। अच्छा, जब ये होगा तो मतलब क्या होगा, ढकने के लिए, तो केसिंग और केपिंग का जो चौड़ाई होगा वो एक जैसा होगा, क्लियर है। अच्छा, केसिंग केपिंग में होता क्या है, केसिंग केपिंग में जो है आपका, अगर बताऊँ तो केसिंग में जो है बहुत सारी स्लॉट्स होती है, ठीक है। बहुत सारी मतलब जिस तरह का हमको वायर उसमें से पास करवाना है तो उस तरह के हिसाब से हम लोग स्लॉट वाली जो है केसिंग हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, केसिंग केपिंग। तो बनाने से पहले इसको जब इंस्टॉल किया जाता है तो मतलब क्या है, जब भी आप इसको लगाते हो तो पहले जो डायग्राम के अनुसार कहाँ इसको फिट करना है, पहले का पहला पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन कर लिया जाता है। उसके बाद क्या कहता है, केसिंग को जो है स्क्रू की सहायता से दीवारों पर लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें स्लॉट्स बने होते हैं, स्लॉट का क्या काम होगा, जब भी स्लॉट्स होंगे ना तो क्या करेगा, फेज और न्यूट्रल जो है दोनों अलग अलग जो है स्लॉट्स में जाएगा। आप इससे क्या होता है, इजीली आप जो है केसिंग केपिंग में पहचान सकते हो कि कौन सा आपका फेज वाला वायर है और कौन सा आपका न्यूट्रल वाला वायर है, ठीक है। मैं फिगर वाइज और क्लियर कर दूंगी, लेकिन अभी आपको क्या समझना है, केसिंग केपिंग
स्थानों में हो सकता है, मतलब घरेलू जगह पे भी करते हैं हम लोग, जहाँ पे बंद रूम या फिर इस टाइप का बंद जैसा ये रहता है जगह। और ये टिकपुट जो है लकड़ी उसका बना होता है, ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं मैंने जैसे कि बताया। अच्छा, ये केसिंग कैपिंग में जो मैंने ये एक बात और इम्पोर्टेंट बताई, केसिंग और कैपिंग जो है वो दोनों की चौड़ाई क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है जो दीवारों के साथ कसा जाता है स्क्रू की सहायता से, उस पार्ट को क्या कहते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन आप फिट करोगे केसिंग कहते हैं, ठीक है। अभी मैं केसिंग और कैपिंग का एक फिगर डायग्राम बना रही हूँ, जिससे आपको और वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि किस तरह का बनावट, और आपने इसे देखा भी होगा, जानते नहीं होंगे लेकिन देखा होगा, लेकिन अभी जब मैं बता रही हूँ तो आप और भी क्लियर कर पाओगे, जस्टिफाई कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ आपने देखा और ऐसा ऐसा इसमें होता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताई इसमें, कि इसमें स्लॉट जो होते हैं, तो जिसमें कि स्लॉट में आप एक स्लॉट में दो वायर क्रॉस, मतलब दो कंडक्टर आप पास नहीं कर सकते हो, हर एक स्लॉट में एक कंडक्टर होगा, मतलब न्यूट्रल के लिए अलग, फेस के लिए अलग। तो इसीलिए क्या हुआ, मैंने ये भी बताया आपको कि इसीलिए क्या होता है, इसीलिए होता है इसमें आप न्यूट्रल और फेस को आराम से पहचान पाओगे। एक तो कलर कोडिंग, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पहले भी बताया है कि कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर न्यूट्रल होगा तो वो ब्लैक कलर का होगा, और फेस होगा तो RYB, ये तीनों अलग कलर में कोई एक होगा, ठीक है। तो अभी जो है पहले केसिंग कैपिंग का फिगर बनाते हैं, फिर से और थोड़ा आपको क्लियर करवाते हैं, ठीक है। तो होता कैसा है, थोड़ा टाइम लग गया फिगर बनाने में, लेकिन ये था क्या केसिंग और कैपिंग। आपको देख के अंदाजा लग गया होगा ये केसिंग, जैसे मैंने बोला आपको कि दीवार पे केसिंग जो है, यहाँ पे जो है आपका स्क्रू रहेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका स्क्रू रहेगा, ठीक है, दीवार
लगाई हूँ, ये क्या है आपका कंडक्टर पास करने के लिए, और इसका जस्ट कैप है ये वाला कैप जो आप देख पा रहे हो, तो ये वाला जो है आपका पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन कहा जाएगा इसके ऊपर ढकने के लिए, ये वाला जो पोर्शन है कैपिंग इसमें ढकेगा और साथ इसको पूरे चीज़ कवर कर देगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि केसिंग और कैपिंग का जो चौड़ाई होगा दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हुआ इन्फॉर्मेशन केसिंग और कैपिंग के लिए। अभी जो है आईए नियम के अनुसार जो जब आप केसिंग और कैपिंग का जो है वो केसिंग कैपिंग वायर यूज करते हो, तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ BIS के अनुसार मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जब आपका जो है केसिंग कैपिंग वायरिंग करते हैं तो क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए, कुछ जो है मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, कुछ आप जो है खुद भी मुझे जो है मैसेज या कमेंट्स करके बता सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ यहाँ पे यूज ये चीज़ यूज होना चाहिए, इस नियम का पालन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं इसको आपको डिक्लेयर कर देती हूँ, फिर बताऊँगी आपको बैटन वायरिंग, और आज ही बताना है आपको कंड्यूट वायरिंग में, ठीक है। तो पहला नंबर है आपका यहाँ पे केसिंग कैपिंग सूखी टिकवुड की होनी चाहिए। जैसा मैंने बोला केसिंग कैपिंग किसका होता है, या तो PVC का होता है या टिकवुड का होता है। तो जब लकड़ी होगी तो नमी वाली लकड़ी होगी क्या? नहीं, सूखी हुई लकड़ी होगी, है ना। नम वाला जो अगर लकड़ी रहा तो क्या होगा, वहाँ पे हमारा कंडक्टर खराब होने का, या फिर जो है आपका कंडक्टर खराब होने का, वायरिंग जो है खराब होने का हमारा खतरा रहता है। लेकिन जब क्या होगा, सूखा हुआ लकड़ी होगा, तभी आपको क्या करना है, यूज करना है ये केसिंग कैपिंग वायरिंग, पहला। सेकेंड वाला जो है पॉइंट, उसमें केसिंग कैपिंग को वार्निश करेगा नहीं तो दीमक लगने का खतरा होता है। तो जैसा मैंने बताया ये सब किस लिए है, ये सब अगर टिकवुड का बना होगा, मीन्स जब लकड़ी का होगा, तो PVC में ऐसा नहीं है। PVC में तो आपका जो है यहाँ पे PVC में भी आपको क्या करना पड़ेगा, वार्निश के थ्रू जो है उसको इंसुलेट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वार्निश वो होगा पेंट, ठीक है। तो या तो आप वार्निश के थ्रू जो है आपका जो केसिंग कैपिंग को वार्निश या फिर पेंट के थ्रू जो है आपको उसको जो है कवर कर लेना होगा, या फिर उसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा देना होगा ताकि दीमक लगने का खतरा ना हो, ठीक है। ये BIS नियम के अनुसार है, जब भी आप करें तो ये सब संभव नहीं देख लें, उसके बाद ही ये जो है केसिंग कैपिंग वायरिंग करें। थर्ड है आपका केसिंग कैपिंग को दीवार के अंदर ना जा पाए। केसिंग कैपिंग मैंने बताया, केसिंग कैपिंग जो आपको अभी फिगर वाइज दिखाया था, ये क्या है, जैसे ये मेरा दीवार सरफेस है, तो यहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह जहाँ पे आपको लगाना है उस तरह आप वायरिंग करते जाओ, ठीक है। इस तरह चाहिए मुझे तो यहाँ पे चला गया वायरिंग, इस तरह का वायरिंग होना चाहिए, ना कि दीवार के अंदर पूरा दबा कर, ठीक है, ये वाला वायरिंग नहीं है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है कि केसिंग कैपिंग का जो है दोनों का चौड़ाई, जैसे मैंने आपको फिगर डायग्राम बनाते हुए बताया कि केसिंग जो है नीचे वाला पोर्शन, कैपिंग जो है ऊपर वाला पोर्शन, तो दोनों क्या होना चाहिए, दोनों समान चौड़ाई का होना चाहिए। अच्छा, जब समान चौड़ाई का होगा तो ऑब्वियसली गैप नहीं होगा। यहाँ जो नेक्स्ट वाला है पॉइंट आपका, केसिंग कैपिंग के बीच में क्या होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छे से इंसुलेट होना चाहिए, पूरा गैप कवर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, जहाँ पर तारों को क्रॉस किया जा रहा हो, ठीक है, तारों का क्रॉसिंग हो, वहाँ पे ब्रिज जॉइंट का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे जॉइंट जो है बहुत सारे प्रैक्टिकल में टी जॉइंट, ब्रिटेनिया जॉइंट, ये सब तरीका है आपका जो है, कभी भी वायर को आप जब अलग से एक्स्ट्रा लगाते हो, उसमें जोड़ते हो तार को, या फिर कहीं से आपको जो है तार लेना होता है कहीं से, तो किस तरह का जॉइंट यूज करते हैं, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप खास कर ध्यान रखेंगे, जब भी आपको जो है वायर को क्रॉस करना होगा एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ब्रिज जॉइंट का यूज करेंगे। ये है BIS का जो है कुछ नियम जो आपका केसिंग कैपिंग में जरूरी है। आप जब केसिंग कैपिंग करेंगे वायरिंग, तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, केसिंग कैपिंग के बारे में हुआ, जैसा मैंने बताया आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बाद में आपको क्लियर करवाऊंगी सारे का वायरिंग का, ताकि आपको अंतर वहाँ पे पता चले, ठीक है। तो अब जो है आ रहा है बैटन वायरिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है आपका, यहाँ पे जो है कौन सा आपका वायर का यूज करेंगे, तो जो आपका है PIR है आपका वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़ है, उसका यूज करेंगे, वैसा वायर का यूज करेंगे। यहाँ बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि जो आपका केसिंग कैपिंग वायरिंग है, इसमें से जो वायर है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वो क्या है, PIR, क्या है, BIR। बहुत बार BIR का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है, वल्कनाइज्ड इंडियन रबड़, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, बैटन वायरिंग का आता है, ठीक है, बैटन वायरिंग, ठीक है। तो बैटन वायरिंग क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि क्या होता है बैटन वायरिंग, क्या है ये भी, वुड पर है, मतलब कि एक लकड़ी की पट्टी होती है जिसमें जो है जिसके अनुसार जो हम लोग तार
पता चले। सपोज मैं यहाँ पे तीन कलर ले रही हूँ, ये लकड़ी की पट्टी हो गई, जहां पे आपको वायरिंग करना होगा बटन वायरिंग, आप ये सब पहले के जमाने में जो भी घर होता था वहां पे आप देख सकते हो, ये जो है जहां पे आपको वायरिंग करना है आपने मार्क कर लिया दीवार पर, ठीक है, और उसके हिसाब से लकड़ी की पत्ती पत्ती पट्टियां जो होती है, ठीक है, उसको जो है ले लिया जाता है, ठीक है, और एक फ्लेट भी रहता है राउंड प्लेट जिसको बोलते हैं, वो सब यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे ये मेरा लकड़ी का बीट हो गया, पतला सा पट्टी, इसमें एक कंडक्टर इस तरह, होप आपको अच्छे से दिख रहा हो, इस तरह और इस तरह करके जो है फिट किया जाता है, जहां जा रहा है ये वायरिंग इधर जाएगा, आपको उधर करना होगा, मतलब जिस तरह हमको जरूरत है इधर जरूरत है, तो क्या करती है हम लोग, मतलब कहने का क्या है, आपको लकड़ी की पतली पट्टियां हैं उसी के ऊपर आपको जो है वायर को क्रॉस करना, साथ ही साथ फिट भी लगाते जाना है ताकि वायर जो आपके जो है एक जैसे रहे। ये वायरिंग देखने में उतना अच्छा नहीं होता है, ये पहले के जमाने हम लोग करते थे, ये भी जो है आप बंद और बंद जगह पे जहाँ पे आपका रूम तरह का स्ट्रक्चर हो या फिर आपका कारखाना तरह का स्ट्रक्चर हो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। बैटन वायरिंग, बैटन वायरिंग कुछ बहुत ज्यादा इसमें वास्ट नहीं है जैसे केसिंग के भी था, इसलिए इसके बारे में जानकारी सिर्फ देना था कि बहुत जगह आप देखोगे, कई बार क्या होता था जो जो स्विच वाला जो बोर्ड रहता है वहाँ पे कई बार जो है आप देखोगे कि जहाँ पे ये वाला वायरिंग होता है, अगर इससे अगर बल्ब मेरा कनेक्ट किया हुआ है तो बल्ब के जो बल्ब का जो होल्डर हुआ या फिर स्विच वाला जो पोजीशन हुआ जो, ठीक है, जो बैकलाइट का बना होता था उसमें भी क्या करते थे, लकड़ी की पतली सी पट्टियाँ रहती थी गोल जैसे, उसके ऊपर उसको फिक्स किया जाता था स्क्रू ड्राइवर स्क्रू के थ्रू, ठीक है। तो ये है मेरा बटन वायर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग कंड्यूट वायरिंग की तरफ, इधर बढ़ते हैं कंड्यूट वायरिंग की तरफ। कंड्यूट वायरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वायरिंग के लिए, क्योंकि कंड्यूट वायरिंग दो टाइप के होते हैं, मैंने जैसे पहले बताया था कंड्यूट वायरिंग, इसमें क्या होता है कि आपका जब जब घर मकान बन रहा होता है
होगा, तभी पाइप के थ्रू जो है पूरा का पूरा कंडक्टर जो है हर एक जगह पे जहाँ जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे जो है टीन का बॉक्स बोल सकते हैं या फिर हाँ टीन का बॉक्स बोल सकते हैं उसके थ्रू पाइप के थ्रू जो है एल्बो के थ्रू मतलब इतने सारे एक्सेसरीज रखते हैं। और उसके बाद जो है सारे रूम में या फिर जहाँ जहाँ आपको चाहिए होता है बिजली वहाँ वहाँ पर इसके थ्रू उसको भेजा जाता है पाइप के थ्रू। और बाद में जो है बाद में उस समय जो है कंडक्टर को डालकर उससे और वो बॉक्स तक निकाल लिया जाता है ताकि आप जब भी उसका ज़रूरत हो तो आप क्या करो उसको जो है वहाँ से वायरिंग कनेक्शन कर सको, ये चीज़ है ठीक है। और ये वायरिंग जो होती है ये वायरिंग दीवार से जो 6 मिलीमीटर अंदर कम से कम 6 मिलीमीटर अंदर होनी चाहिए ठीक है। अच्छा कंड्यूट वायरिंग ये हो गया आपका। इसमें यूज करते हैं मैंने बताया PIR बोलते हैं या फिर PVC यूज करते हैं, वेल्कनाइज इंडियन रबड़ बोलेंगे या फिर आपका जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है होता है उसका यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं वायर का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि कंड्यूट वायरिंग में ये आपका जो है कंसिडर कंड्यूट वायरिंग में कौन सा वायर यूज करते हैं, तो आपके ऑप्शन में आपको याद होना चाहिए कि आप PIR या फिर आपका PVC, बहुत बार ऐसा पूछा जाता है ठीक है। अच्छा इसमें जो मैंने बताया आपको कि पाइप के थ्रू तो एक तरह नाली आप बोल सकते हैं, एक तरह स्लॉट बोल सकते हैं, उसी के थ्रू क्या है सारे जगह पे बिजली पहुंचाया जाता है ठीक है। तो ये है मेरा पूरा का पूरा आपने वायरिंग में जो है चारों सिस्टम मैंने बताया, ग्रिड वायरिंग आपका जो है केसिंग केपिंग वायरिंग बटन वायरिंग और चौथा था कंड्यूट वायरिंग। तो ये सारा वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुका। अब जो है इसमें मैं कंड्यूट वायरिंग का जो है आई के नियम के अनुसार जो लगाने का तरीका है वो अभी मेंशन करूंगी, उसके बाद जो है नेक्स्ट बताऊंगी आपको। नियम है जो आपका कंड्यूट वायरिंग करते समय BIS के हिसाब से कंड्यूट वायरिंग करते समय जो है इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको केसिंग केपिंग में बताया, जैसे मैंने ग्रिड वायरिंग में बताया था, इसमें भी सेम वैसा ही है। आपका नियम से आप जागरूक रहना चाहिए कि आप जब ये वायरिंग करें तो इन सब बात का ध्यान रखें। तो इसमें मैंने टोटल 5 जो है पॉइंट्स दिए हैं। आप जो है अगर आपको लगता है कि और होना चाहिए क्योंकि और है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है ये चीज़ तो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, गैल्वेनाइज्ड की हुई कंड्यूट पाइप का ही उपयोग करना चाहिए ठीक है। पहला तो आपको पाइप कैसा लेना है, गैल्वेनाइज्ड पाइप लेना है ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पाइप के अंदर और बाहर जब आप ये कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग करते हैं या फिर सरफेस जो है कंड्यूट वायरिंग करते हैं तो दोनों मेक श्योर क्या है आपका जो पाइप का ऊपरी सिरा और अंदर का जो दोनों का भाग जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, PVC पाइप की मोटाई जो है कम से कम 1.5 mm जो है होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए ठीक है, ये कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कंड्यूट पाइप के डायमीटर के अनुसार ही जो है तार आपका जो है तार डालनी चाहिए। अगर मोटाई मेरा तार का जो है पाइप का जो है छोटा है, मैंने जैसे बताया 1.5 mm से कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो उसके हिसाब से ही उसमें तार का प्रयोग करना चाहिए। अब इतना पतला होगा उसमें दो ही तार हो पास हो और आप उसमें से 5 तार पास करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम के खिलाफ है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा तारों में बलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है जब कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग करते हैं तो जो तार को मैंने जैसे बताया आपको ये जो है पहले ही बिछा दिया जाता है, जब मकान बन रहा होता है तब उस टाइम, तो उस टाइम क्या करना जो कंडक्टर है उसमें बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आराम से उसको पाइप के द्वारा जहां आपको ले जाना जहां पे वायरिंग चाहिए वहां पे ले जाना चाहिए सुरक्षा पूर्वक बिना बल का प्रयोग किए हुए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कंड्यूट वायरिंग से रिलेटेड थे BIS के हिसाब से। तो अभी जो है मेरा हाउस वायरिंग में ये चारों वायरिंग कितने कैसा कैसा होता है मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं सबके बारे में जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगी, मे भी जो है स्लॉट के हिसाब से बता दूँ, इधर क्लिट होगा, इधर बैटन होगा, कंड्यूट वायरिंग होगा, इधर जो है केसिंग केपिंग वायरिंग होता है, कि आपका एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको MCB के बारे में, RRCB के बारे में, ये सब के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको जो है देना है। तो आशा करती हूँ आज का जो मेरा क्लास है आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए